आइए फिर से एक बार आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा विजन है। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ हम लोगों को रिश्तेदारों के साथ में और रिश्तेदारों के अलावा इसे भर्ती करते और उनका इलाज करते। हमारे नीचे नंबर दिए, वहाँ आप कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन काउंसिलिंग भी कर सकते हैं, सलाह मशवरा भी कर सकते हैं और अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। आज मैं आपको बात करने वाला हूं वो है कि मन को कंट्रोल में करने के दो टेक्निक्स जो भगवत गीता में बताया। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसे दो टेक्निक्स बताया है कि मन को कंट्रोल में कैसे करना। हमारा मन जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता, जल्दी भागते रहता है इधर उधर। हम क्या करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते, जो करना चाहिए वो नहीं करते। टीवी नहीं देखना चाहिए तो लोग टीवी देखेंगे, मीठा नहीं खाना चाहिए तो लोग मीठा खाएंगे, टाइम पास नहीं करना चाहिए तो लोग टाइम पास करेंगे। मतलब जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे, जो करना मतलब जो कर्तव्य पूर्ति हमारी जो काम से होंगी वो कर्तव्य वो काम वो निष्ठा से नहीं करेंगे लोग, जो मन करता है वैसा करते रहते। हमारा मन जो है ना वो एक बेलगाम घोड़ा है, वो घोड़ा कहीं भी भागते रहता है और उसको कंट्रोल कैसे करना उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि आप वो कीजिए जो करना चाहिए। एक व्यक्ति को ऐसा बताया कि भाई एक व्यक्ति बाल आने के लिए तेल बेच रहा था, वो तेल बेच रहा था और उनको उसने लोगों को ये कहा कि आप ये तेल जो है ना वो सिर को लगाओ, आपको बाल बहुत बड़े तादाद में आ जाएंगे, मगर शर्त ये है कि जब आप तेल लगाएंगे उसके बाद में भगवान का नाम दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब ऐसा बोलने के बाद में और भगवान का नाम आ गया तो फिर तेल लगाना पड़ेगा, ऐसा बोलने के बाद में वो तो लोगों को तेल बेच रहा है, लोग तेल लगा रहे हैं और भगवान का नाम नहीं आना चाहिए दिमाग में, भगवान का नाम नहीं आना चाहिए दिमाग में ऐसा सोच रहा है तो डेफिनेटली भगवान का नाम आएगा ही आएगा और फिर वो तेल का फायदा नहीं होगा ऐसा बता रहा है। और फिर तेल लगाओ, मतलब तेल का उसका बेचना चालू है और लोगों का बाल आने का कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप नहीं करना चाहते या जो मतलब जो नहीं करना चाहिए उस मन को बता दिया कि ये मत कर वो मत कर तो वो करेगा। जैसा किसने बोला कि नहीं मीठा नहीं खाना चाहिए और मैं आज मीठा नहीं खाऊंगा तो बार बार वही मन में आएगा कि नहीं मीठा खाना चाहिए। तो जैसा हमारा मन जो है वो बेलगाम घोड़ा है और हम वो घोड़े के ऊपर घोड़सवार करके है, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो घोड़सवार, अंतर मन जो है वो बेलगाम घोड़ा है। अभी उसको कंट्रोल कैसे करना वो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोला हुआ है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। भगवान कृष्ण ने बताया हुआ है कि आपको सफलता पाने के लिए और मन को कंट्रोल में रखने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा, कोई भी चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक उदाहरण के तौर पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक नाई था, उसके दो बेटे थे। एक बेटा जो था बड़ा वाला वो बहुत ही अच्छी कटिंग कर सकता था मगर उसको आदत थी शराब पीने की। दूसरा जो लड़का था उसको कटिंग अच्छी नहीं जमती थी, हेयर कटिंग, और वो मगर अच्छा था और अच्छा खासा काम करता था और उसको कटिंग जमती नहीं। अब वो नाई की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो दोनों का बंटवारा हो गया, दोनों को दुकान अलग अलग हो गई। अब जो अच्छे बाल कटवाने वाला जो बड़ा भाई था वो बाल अच्छे कटवाता था, उसके यहाँ काफी लोग भी जाते थे, छोटे वाले भाई के पास में लोग जाते नहीं थे, मगर बड़े वाला जो था वो शराब पीते पीते उसका धंधा पूरा खलास हो गया, क्योंकि शराब पी रहा था, काम बराबर नहीं करता था बाद में, और धीरे धीरे उसका धंधा बैठ गया। छोटा जो था उसको कोई गलत आदत नहीं थी मगर उसने क्या किया, उसने प्रैक्टिस करते गया, लोगों के बाल कटवाते गया, जैसे जैसे लोग आए कम पैसे है तो कम पैसे है, मगर उसने निरंतर प्रैक्टिस, और एक समय ऐसा आ गया कि वो उसमें एक्सपर्ट बन गया और उसकी धीरे धीरे उसकी जो प्रैक्टिस थी मतलब उसका जो धंधा था वो बढ़ते गया। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला हुआ है कि जो भी आपको करना है मन को कंट्रोल में लाने का है तो उसके लिए आपको निरंतर कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें आपका जो बेलगाम घोड़ा है उसका जो अंतर्मन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसका फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि समझो आपको एक्सरसाइज आपको आपका जो अंतर्मन नहीं करने दे रहा है, वो नहीं करवाता है एक्सरसाइज, बोलता नहीं आज जान दो, आपको निरंतर प्रैक्टिस करके अंतर्मन को प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, हैबिट डालनी पड़ेगी और आप 21 दिन से लेकर 42 दिन तक वो निरंतर प्रैक्टिस करते जाएंगे, अंतर्मन को वो हैबिट हो जाएगी, बाद में वो आप ही आप एक्सरसाइज करने लगेंगे, फिर बोलना ही नहीं पड़ेगा और एक्सरसाइज करने में मजा भी आ जाएगा। तो ये निरंतर प्रैक्टिस करके आपका अंतर्मन आपका मन आपके कंट्रोल में रह सकता है, योगा पहला टेक्निक। भगवान कृष्ण ने दूसरी टेक्निक जो बताई है वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब वैराग्य या कोई भी चीज की मोह या माया नहीं रखना चाहिए। इसका ही मतलब ये हो गया कि आप निरंतर काम करते रहो और रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान मत दो, मतलब आप एकदम फुल्ली कमिटेड है और कर्म करो, फल की चिंता मत। क्या होता है कि आप यदि कर्म करते रहते हो और आपका मोह माया जो है रिजल्ट्स के प्रति कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, वहां यदि आपका अटैचमेंट होगा तो आपका काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ाई में उसको ऐसा लगता है कि क्रिकेट मैच चल रही है, फाइनल है, भारत पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो भी मैच चल रही है
उसको मोह होते रहता है, अटैच होते रहता है कि नहीं मैंने क्रिकेट देखना चाहिए, पढ़ाई बाजू में हो जाती है, आखिरी ओवर देखो, दो ओवर देखो, जो भी है वो देखते रहता है, उसको मोह है और बार 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 वही उसका मन जो है वो उधर जाएगा और ये पढ़ाई जो करना है बाजू में हो जाएगा। वो क्या कर सकता है कि ठीक है भाई, उस समय वहां पढ़ाई करने ना बैठते हुए वो जो टीवी का जो उसको एडिक्शन है या और कोई मोबाइल का एडिक्शन है या जो भी कुछ है, उसने बाहर निकल जाना चाहिए, कोई सैर करके बाहर से आ जाना चाहिए, एक्सरसाइज भी हो जाएंगे, अपना दिल भी अलग कहीं अटैच हो जाएगा और कहीं दिल इधर उधर अपन उसको अटेंशन में डालेंगे, या फिर उठ के एक्सरसाइज कर रहा है या उठ के और कोई टॉपिक बदल रहा है, ऐसा कुछ तो भी करेगा कि वो जो मुंह है कि टीवी देखना है टीवी देखना है, वो मुंह से वो दूर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप जो कर्म है वो यदि पूरा कर्म करते हो और वैराग्य मतलब मोह माया रिजल्ट्स की ना रखते हो और आपका पूरा 101% 101% पूरा ख्याल आपके कर्म के ऊपर दे रहे, तो आपका रिजल्ट आएगी ही आएंगे और आपका मन कंट्रोल में रहेगा। तो ये दो टेक्निक्स है जिसका आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली अपना अंतर्मन जो है वो अपने कंट्रोल में रहेगा। तो सेकंड इसमें आपको ये देखना है कि भाई वैराग्य कैसा रहेगा, मतलब ज़्यादा उसमें अंदर नहीं घुसने का, कौन सी इसमें रिजल्ट्स में, और यदि अपना मन जा रहा है रिजल्ट्स में या कहीं अटैच हो रहा है तो वह अटैचमेंट निकालने का है, और अटैचमेंट निकालने के समय जहाँ जहाँ अटैचमेंट आ रहा है, जहाँ जहाँ अपना मन उसको चिपक रहा है या वही करने की इच्छा हो रही है, उस समय वो छोड़ के और कहीं तो भी अपना मन दूसरी जगह लगाना और वो करते रहना। ये जब बार 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 करेंगे तो जो अटैचमेंट की जो हैबिट लग चुकी है वो टूट जाएगी और आप दूसरा कर्म करके रिजल्ट अच्छे पाओगे। तो ये है दूसरी टेक्निक, आपको ये टेक्निक से डेफिनेटली अपना अंतर्मन जो है वो कंट्रोल में आप ला सकते हो और जिंदगी में सफलता पा सकते। हमारे काफी सारे वीडियो ऐसे हैं, आप ये वीडियो लोगों को शेयर करके हमारा जो विजन है वो विजन में आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं। आपको जरूर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।